हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन ट्रेन वर्ल्ड में। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज हम क्या करने वाले दोस्तों, आज जो है भाई रानीखेत एक्सप्रेस हमारी, उसका लोकोमोटिव जो है भाई फेल हो चुका है। तो जिसकी वजह से भाई आज मतलब हमको ये WDP 4D अजमेर जंक्शन पे आज हमारी ये शंटिंग ड्यूटी लगाई गई है। और आप देख सकते हैं उधर कोई ट्रेन आ रही है भाई। तो भाई हमारा लोकोमोटिव आ रहा है, जो कि भाई कपल होने जा रहा है। रानीखेत एक्सप्रेस को हम कपल करने वाले हैं आज। आज हमारी जो शंटिंग ड्यूटी है वो रानीखेत एक्सप्रेस में रहेगी। दोस्तों आज की जर्नी काफ़ी शानदार है, आप देख सकते हैं। मतलब ये सामने जो है भाई रानीखेत एक्सप्रेस खड़ी है और इसका जो लोकोमोटिव था दोस्तों वो फेल हो चुका था। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन सा लोकोमोटिव है। ये देखो भाई, कोई ट्रेन भी अराइव कर रही है भाई WDP 4D के साथ। कोई आप देख सकते हैं अजमेर जंक्शन पर ट्रेन कोई अराइव कर रही है। तो भाई ये देखो यहाँ से भाई, तो भाई यहाँ से चलो हम अपने लोकोमोटिव को कपल कर लेते हैं, क्योंकि ये फेल हो चुका है हमारी रानीखेत एक्सप्रेस, जो कि काठगोदाम से जैसलमेर के लिए जो है भाई डेली चलती है। तो अजमेर जंक्शन पे आके भाई उसका लोकोमोटिव हल्का सा भाई फेल हो गया यार, जिसकी वजह से मतलब हमको ये आज इसको WDP 4D जो है सर्विस देने जा रहा है। तो भाई फाइनली हमारा लोकोमोटिव देख सकते हैं आप जो है भाई कपल होने ही वाला है। कितना शानदार सीन है भाई ये। और भाई हमारा लोकोमोटिव जो है वो कपल हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा WDP 4D कपल हो चुका है भाई। आज लाइट बहुत दिक्कत कर रही है भाई, और ये शायद कोई एक्सप्रेस ट्रेन है भाई जो कि अजमेर जंक्शन पे अराइव कर रही है। पता नहीं कौन सी ट्रेन है भाई। आप ये दूसरा लोकोमोटिव आप देख सकते हो, इसका जो रोड नंबर है 14048। ये काफ़ी शानदार लोकोमोटिव है, जो कि भाई काठगोदाम से मतलब चला, लेकिन उसके बावजूद क्या रहा भाई, इसमें यहाँ पर आके अजमेर जंक्शन पर आ गई जो है लोकोमोटिव जो है बोल गया भाई, जिसकी वजह से हमें दिया गया हमजा जी का WDP 4D। दोस्तों सिग्नल अभी आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ से हम चलते हैं, फिर हॉर्न बजा देते हैं थोड़ा सा। तो आप देख सकते हो मतलब हमारी रानीखेत एक्सप्रेस जो है मतलब डिपार्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ब्रेक को रिलीज़ कर देते हैं, ब्रेक शायद रिलीज है, रिवर्सल हमने फॉरवर्ड में कर दिया। और आप चलते हैं अपनी ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। अब देख रहे हैं हमारी रानीखेत एक्सप्रेस जो है अजमेर जंक्शन से अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि भाई इसका जो मतलब स्टॉप रहता है ना भाई काठगोदाम से चलती है डेली, और भाई अजमेर रूट में आती है। काठगोदाम से चलने के बाद जैसलमेर तक इसका लास्ट स्टॉप है पुरानी दिल्ली और अलवर रेवाड़ी वगैरह से मतलब होते हुए। तो भाई जयपुर तक काफ़ी शानदार रही इसकी जर्नी, लेकिन अजमेर जंक्शन पर आके इसका ये WDG 3 लोकोमोटिव बोल गया। लेकिन आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला लोकोमोटिव भी काफ़ी शानदार है, और छगिंग जो है इसकी अब भी जारी है, आप देख सकते हो। दोस्तों मुझे मतलब ये गिन के बताना कि कितने सारे कोच हैं मैंने रानीखेत एक्सप्रेस के मतलब कोच इसके अंदर लगाए हैं, और कितने मतलब एक न्यू ICF कोचेस के साथ मैं आज जर्नी कर रहा हूँ भाई। ये तो आपको दिख ही रहा होगा भाई कि मतलब मैं जो है न्यू ICF कोचेस के साथ, अभी तक आपने मेरी किसी भी वीडियो में मतलब ये नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी आज मैंने बिल्कुल रानीखेत एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग ही मैंने इसके अंदर जो है कोच ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं भाई। हमारी रानीखेत एक्सप्रेस निकल रही है, इसके अंदर स्लीपर भी है, और जनरल कोच बहुत कम रहते हैं, जो कि रियल में भी वैसा ही रहता है भाई। शौचालय वगैरह सब है यहाँ पे, आप देख सकते हो। मतलब हमजा जी ने हमारे सब कुछ बनाया भाई, वो हमजा नहीं सॉरी यार मौसम पटेल सर जी ने मतलब रूट को यार एकदम बेस्ट बना दिया भाई। और भाई ये जो 5 कोच रहते हैं रानीखेत एक्सप्रेस में, वो भी इसके अंदर ऐड है। ये कोच आपको दिख रहे होंगे भाई। और हमारी रानीखेत एक्सप्रेस लगता है काफ़ी मतलब जो उसका लोकोमोटिव है ना काफ़ी हाई है, आप देख सकते हैं। मतलब अभी प्लेटफॉर्म से लास्ट कोच नहीं रहा, लेकिन अभी भी इतनी तेज़ चल रही है भाई। तो बाय बाय अजमेर जंक्शन, रानीखेत एक्सप्रेस जो भाई निकल गई भाई। मैंने इसमें कई बार जर्नी किया है, ऐसा नहीं है, इस रूट में मैंने कई बार जर्नी की है रानीखेत एक्सप्रेस में। आप देख सकते हो यहाँ से हमारी ट्रेन जाते हुए कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, आप देख सकते हो भाई कितनी खूबसूरत लग रही है भाई हमारी ट्रेन। कसम से यार कितना शानदार ये सीन है, मैं आपको बता नहीं सकता यार। तो भाई अब तो वो जा चुकी है ना, तो भाई अब चलते हैं अपनी ट्रेन के पास। ओफो भाई काफ़ी सारा ट्रैफिक खड़ा है यार अजमेर जंक्शन पे, ओफो यार काफ़ी सारा ट्रैफिक खड़ा है, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं यार। काफ़ी सारे ICF जो कोचेस भी खड़े हैं, काफ़ी सारे ICF कोच और मतलब कुछ लोकोमोटिव वगैरह वगैरह, काफ़ी मतलब ये चीज़ें जो है यहाँ पे खड़ी हुई हैं। अजमेर जंक्शन का ये आउटर है दोस्तों, और भाई साइड से ट्रैफिक वगैरह भी चल रहा है, बस वगैरह चल रही है, आपको दिख रही होंगी भाई।
कितनी सारी बसें चल रही हैं और भैया, और यहाँ से मतलब हमारी ट्रेन गुजर रही है, सीन भाई कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हो। मेरे को यार कमेंट्स करके बता देना यार, इतने प्यारे सीन के लिए एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता ही बनता है भाई, 100% बनता है। एक लाइक कर देना भाई, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार। मुझे पता है आप नहीं करते हो, बहुत कम लोग ऐसे हैं भाई जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते तो हैं भाई लेकिन सब्सक्राइब का जो मसला रहता है ना वो बहुत ही कम रहता है यार। लेकिन कोई नहीं भाई, मुझे तब भी आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये हमारा गेम एकदम से क्या बीच में बंद हो गया था ना भाई, अलग तो ऐसे ही रहा था कि बंद हो गया भाई। अब ये देखते हैं भाई, ये कैब, ये हम WDG और फो, यहाँ तो लोको पायलट हमको दिक्कत कर रहे हैं भाई। यहाँ ये फ्लैग वगैरह दिखा रहे हैं। ये इंटीरियर है हमारी रानी खेत एक्सप्रेस का, जो कि भाई शानदार है, अच्छा है, ठीक है, काफ़ी शानदार है। ये AC कोच आ गए भाई, आप देख सकते हो, जो मतलब जो AC कोच है हमारी रानी खेत एक्सप्रेस के, वो ये रहे। AC कोच का इंटीरियर है, कैसा लगा दोस्तों मेरे को बताना कमेंट्स करके। तो अब हम आ चुके हैं अपने डोर व्यू पे अपनी रानी खेत एक्सप्रेस के, तो स्पीड बढ़ा लेते हैं थोड़ी यार। ओ भाई सामने से मेरे को धुआं आ रहा है, आपको दिख रहा है कि हमारी ट्रेन है या कोई आने वाली है, मुझे नहीं पता यार, लग तो ऐसा रहा है कोई ट्रेन आ रही है सामने से, लेकिन भाई ट्रेन नहीं आ रही, अपनी ट्रेन है भाई ये। और ये जो स्मोक वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये अपनी ट्रेन का स्मोक है यार, हाँ अपनी ट्रेन का यार, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे भाई। तो बढ़ा देते हैं थोड़ा, होटल हमने बढ़ा दिया काफ़ी। और भाई राजस्थान की प्यारी प्यारी हरियाली आप देख सकते हो कितनी शानदार है। और फो ट्रेन भाई कर्फ्यू, ये सीन आप देख सकते हो भाई, कितना गजब का लग रहा है यार। हमारी पूरी रानी खेत एक्सप्रेस टाइम कर्फ्यू चल रही हो, ये भाई ट्रैफिक वगैरह लगा है, इंडियन ट्रैफिक, ये कहाँ तक भाई जाम लगा हुआ है आप देख सकते हो, कितना लंबा जाम लगा हुआ भाई, आप दूर तक देख सकते हो, मतलब ट्रैक वगैरह सब खड़े हैं, काफ़ी लंबा जाम है यार। और क्या शानदार मतलब ये व्यू यार, कितना प्यारा है यार, आप मेरे को बताना कमेंट्स करके ये व्यू आपको कैसा लग रहा है हमारी रानी खेत एक्सप्रेस का, मतलब पूरी की पूरी कर्व पे है यार, शानदार जानदार भाई। ऐसा होगा ना भाई, काठगोदाम से जब ये रानी खेत एक्सप्रेस चली होगी तो भाई तभी इसके लोकोमोटिव में कोई ना कोई दिक्कत रही होगी, जिसकी वजह से अब हमें जो है WDP 40 लोकोमोटिव जो इसके अंदर ऐड करना पड़ा भाई। अब लेवल क्रॉसिंग का नज़ारा लो, मज़ा लो भाई, काफ़ी सारे मतलब ओफो भाई, काफ़ी मतलब बड़े बड़े ट्रक वगैरह खड़े हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। ये भी चलने वाले हैं, मतलब थोड़ी देर ये सुनेंगे थोड़ी ना, फाटक लग जाने दो, फाटक लग जाने दो, फिर देखना भाई ये कैसे भागते हैं। ओफो बस भी खड़ी यहाँ पे भी भाई, काफ़ी लंबी लाइन है यार ट्रैफिक की यार, कसम से यार कितना गजब का सीन है यार। और काफ़ी सारे कोच हैं यार हमारी, फाटक तो खुल गया भाई। अभी स्पीड हमारी कहाँ पहुँच रही है यार लोकोमोटिव की, अब फिर से हम दोबारा से मतलब अपने लोकोमोटिव को जगा रहे हैं जो कि सोया हुआ था भाई। और भाई ये जो रेड कलर का लोकोमोटिव है ना, ये भी कम नहीं है क्योंकि छगिंग अब भी कर रहा है भाई वो भाई। ये लोकोमोटिव यार बाकी में यार दूसरा वाला भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है, काफ़ी शानदार लोकोमोटिव है दूसरा वाला। तो अब हमारा दोनों लोकोमोटिव अपना अपना जोर लगा रहे हैं, तो इस वक्त देख सकते हैं 74 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं हम। और जो नेक्स्ट स्टॉप है दोस्तों हमारा अबू रूड होने वाला है। भाई यहाँ से देखो अपनी ट्रेन का नज़ारा कितना शानदार लग रहा है। और भाई मौसम आपको देख सकते हो, मतलब जितना हम आगे बढ़ रहे हैं ना यार, थोड़ा मौसम यार लाल सा हो रहा है यार, लाल मौसम हो रहा है यार, मतलब काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, मतलब मौसम का जो संकेत अच्छा नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं बारिश ना आने वाली हो भाई, लाल लाल मौसम हो रहा है। ओफो भाई क्या गजब लग रही है हमारी रानी खेत एक्सप्रेस, आप मतलब देख सकते हो कितना शानदार व्यू है यार। अब जो हमारी ट्रेन है भाई 96 किलोमीटर तक पहुँच चुकी है भाई, अभी आ गए हम कैब व्यू में। ओफो अब हम लोकोमोटिव के पास हैं, अब हमें ज़्यादा डर नहीं है। काफ़ी जूमिंग पे मतलब कैमरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं गार्ड साहब का फ्लैग जो है वो काफ़ी तेज़ी से हिल रहा है। गार्ड साहब का आपका फ्लैग नज़र आ होगा, ये पूरा आसमान खूनी खूनी हो चुका है, मतलब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो यार कितना मतलब आसमान जो है कितना खूनी हो चुका है भाई। और ट्रैक साउंड हमें कितना प्यारा आ रहा है वो भी आप
आपको आ रहा है? सुन के बताओ, आप सुनो दोस्तों यार, मतलब जितना हम जब डोर व्यू पे आते हैं ना भाई, तो उतना ही हमें जो है भाई, अब आसमान पीला हो रहा है भाई, ये क्या हो क्या रहा है भाई, आज हो क्या गया भाई, आज हमारे को। और भाई गार्ड साहब यहाँ भी खड़े हैं भाई, फ्लैग वगैरह दिखा रहे हैं इनको, तो भाई आसमान से यार मेरे को डर लग रहा है यार, आज इतना लाल मतलब मैंने पहली बार देखा है यार, कितना लाल मतलब है यार, काफ़ी लाल है यार। कोई स्टेशन आने वाला है भाई, आप देख सकते हो कुछ छोटा मोटा स्टेशन है, यहाँ तो स्टॉप होने नहीं वाला भाई इसका, कुछ छोटा मोटा स्टॉप है, ट्रैफिक वगैरह भी शायद खड़ा होगा या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन भाई बढ़ रहे हैं ना आगे, देख ही लेंगे, ऐसा नहीं है। और भाई आप देख सकते हो उस टाइम ट्रैक वगैरह को, मतलब जो ट्रैक जो चेंज हो रहे हैं ना हमारे, वो व्यू कितना प्यारा है भाई। ये कोई खड़ी तो है जिसको हम भाई ओवरटेक कर रहे हैं, कोई फ्रेट ट्रेन है भाई कंटेनर के साथ, हम इसको स्किप कर रहे हैं भाई। अब ये देखना है ये कौन सा लोकोमोटिव है इसके साथ, ये भाई कैसा नज़ारा लगा मेरे को बता देना यार, कमेंट्स करके बताना यार। ये भी कोई WDP 4D लोकोमोटिव है भाई, WDP 4D 70301 ये लोकोमोटिव है जो फ्रेट ट्रेन के साथ है, जिसका ओवरटेक फेस कर रही है, ये हमारा ओवरटेक फेस कर रही है रानीखेत एक्सप्रेस का। क्या शानदार हमारी ट्रेन का सीन लग रहा है भाई, कसम से गज़ब मज़ा आ गया। अभी काफ़ी दूर है हमारा, जो डिस्टेंस है ना वो काफ़ी दूर है यार अभी। हॉर्न आपको आ रहा है भाई, कम आ रहा है, क्योंकि स्पीड जब तेज़ होती है ना भाई ट्रेन की, तो हॉर्न वगैरह जो है भाई कम ही आता है। क्या शानदार मतलब इस टाइम स्पीड हमारी मेंटेन कर रही है रानीखेत एक्सप्रेस, आप देख सकते हो। और पहली बार मतलब एक बेस्ट कोच के साथ, बेस्ट ICF कोचेस के साथ ये ट्रेन है। अब भाई आगे चलो, हमें यहाँ नहीं रहना। ओफो काफ़ी जूमिंग पे लगा हुआ है कैमरा, काफ़ी ज़्यादा जूमिंग पे यार, कितनी शानदार स्पीड मेंटेन कर रही है। लेकिन यार अब थोड़ा आसमान में थोड़ा चेंजेस आए यार, जिससे मतलब थोड़ा ऐसा लगा, थोड़ी राहत मिली। लेकिन मौसम को देख के तो यार ऐसा लग रहा था आज मौसम जो है अपने असली वाले मूड में है। ओफो कर्व कर्व यार, कर्व कितना शानदार है यार, क्या शानदार कर्व ले रही है हमारी रानीखेत एक्सप्रेस, कितनी शानदार लग रही है यार, वाह यार मज़ा आ गया। रानीखेत एक्सप्रेस यार मेरे को बहुत पसंद है, एक तो इसका नाम बहुत पसंद है ना, क्योंकि इसका नाम जो है वो मतलब माउंटेन एरिया से जो है वो ऐड है, उससे मतलब इसका रिलेशन है, जो माउंटेन एरिया है उससे थोड़ा सा ना इसका ताल्लुक है, इसलिए मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लगता है भाई। सिग्नल रेड होने वाला है मेरे को ऐसा लग रहा है, तो हम यहाँ स्टॉप लेने वाले हैं, शायद कोई स्टेशन आने वाला है, तो स्पीड जो भाई थोड़ी ब्रेक लगा के चलो, यहाँ स्टॉप होने वाला है हमारा। अब देखते हैं भाई यहाँ कौन सी एक्सप्रेस हमको मिलती है, कोई ट्रेनें वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी स्टेशन पे दोस्तों, कोई WDP 4D मेरे को तो लग रहा है यार WDP 4D ही है, मेरे को तो यही लग रहा है यार। जो शायद हमारे लिए मतलब रुकी हुई है कोई ट्रेन है, अब पता नहीं हमको मेन लाइन पे तो डाला नहीं गया भाई ना भाई, डाला शायद, ओ भाई नहीं, हमको लग रहा था कि आज हम प्लेटफॉर्म वाली लाइन में जाने वाले हैं, मतलब लग रहा था मेरे को यार ऐसा। लेकिन यार स्टॉप तो लेना पड़ेगा भाई, सिग्नल जो है रेड है, वैसे पूरे का पूरा रेड हो रखा है, लेकिन जो मतलब सिग्नल जो वर्क रहते हैं ना जो लगे हुए हैं यार, वो भी मेरे को लग रहे थे भाई ये कौन सी एक्सप्रेस है भाई। भाई रानीखेत एक्सप्रेस भी हो सकती है भाई, ऐसा होता है ना रानीखेत एक्सप्रेस जब चलती है ना तो रास्ते में भी उसको मिलती है, क्योंकि तीन गाड़ियाँ चलती हैं जो दिन भर में मतलब काठगोदाम से जैसलमेर तक चलती हैं, तो रिटर्न हो पाती है, तीन गाड़ियाँ भाई। तो भाई ये कौन सी एक्सप्रेस है यार पता नहीं यार, जो कि WDP 4D के साथ मतलब यहाँ पे अराइव की थी, पता नहीं यार कौन सी है। क्या ख़तरनाक सीन लग रहा है भाई इस टाइम, आप देख सकते हो कितना शानदार सीन लग रहा है दोनों ट्रेनों का भाई, कसम से यार मज़ा आ गया। तो भाई अभी प्लेटफॉर्म तो हमको दिया नहीं गया,
प्लेटफॉर्म तो हमको दिया ही नहीं गया भाई, तो हम क्या कर सकते हैं? तो भाई स्टॉप लगा लेते हैं, बस यही कर सकते हैं। तो भाई हमारा फाइनली स्टॉप हो गया यहाँ पे, और होना ही था। अब पता नहीं इस एक्सप्रेस को जाने दिया जाएगा कि नहीं, ये जो एक्सप्रेस खड़ी है, पता नहीं ये कौन सी एक्सप्रेस है यार, मेरे को नहीं पता। और भाई यहाँ भी गार्ड साहब फ्लैग वगैरह लेके खड़े हैं। तो भाई हमने तो पूरा रास्ता जो है इसका क्लियर कर ही दिया ना, तो पता नहीं अभी तक इसको जाने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, अभी तक ये मतलब स्टेशन से निकली नहीं है। इसके कोच भी यार ICF जो कोच हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जो ये वाली जो हमारी ट्रेन है, पता नहीं यार ये क्यों नहीं जा रही है। थोड़ा पीछे चल के देखते हैं ना यार, पीछे चलते हैं थोड़ा, पता नहीं इस ट्रेन को क्या हो गया आज। ओफो, हमने जो है अभी ना मतलब मेन लाइन छोड़ी ही नहीं है भाई, उसके लिए उसके जाने लायक हमने रास्ता ही कहाँ छोड़ा है भाई। तो अब हमें भाई उसके जाने लायक रास्ता छोड़ना पड़ेगा ना भाई, तभी तो वो जाएगी। तो भाई चलो आगे चल के थोड़ी सी अपनी ट्रेन की जो कोच वगैरह हैं थोड़ा सा उनको आगे कर लेते हैं, को आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा आगे कर लेते हैं भाई। तो करें भाई आगे, तो अभी कर लेते हैं यार, इसमें देर किस बात की है, क्योंकि करना ज़रूरी है, तभी तो ये ट्रेन जाएगी बेचारी, क्योंकि हमारी वजह से रुकी पड़ी बेचारी। तो भाई देख सकते हैं हमारे कोच जो है आगे बढ़ रहे हैं, ये AC कोच है हमारी रानीखेत एक्सप्रेस के। थोड़ा सा कोच वगैरह ना अंडर प्लेटफॉर्म आ जाएगा ना थोड़ा सा मतलब, तो अच्छा रहेगा। हॉर्न की सुनाई तो आपको आती नहीं हो, क्योंकि भाई काफ़ी दूर है ना हम हॉर्न से अभी। अब मुझे पक्का यकीन है भाई, हम जब हमारे जो कोच हैं जब अंडर प्लेटफॉर्म आ जाएंगे ना, तो ये शायद ट्रेन शायद चल जाए भाई। आज मुझे इस ट्रेन पे तरस आ रहा है, इसका मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है भाई। तरस की क्या बात है, मुझे आज थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है इस ट्रेन का यार बेचारी का, कि हाँ भाई इसको भी मतलब जाने का मौका मिलना चाहिए भाई। कौन सा नाम है ये स्टेशन का, नेम आप पढ़ के बताओ यार, मेरे को तो नहीं पता, मेरे तो हिंदी व्याकरण ख़राब हो जाता है कभी कभी। तो भाई आप देख सकते हैं हमारे जो सारे कोच हैं वो आने वाले हैं अंडर प्लेटफॉर्म। तो अब हम ब्रेक लगा लेते हैं। देखो हमारी रानीखेत एक्सप्रेस जो है ब्रेक लग चुकी है उसके, शायद आपको यहाँ से दिख रहा होगा हमारी रानीखेत एक्सप्रेस रुक चुकी है। अब देखते हैं भाई इसको जाने का मौका दिया जाता है कि नहीं, अब तो चल जाए भाई या नहीं चलेगी, या और ओवरटेक फेस करना है भाई इसे। तो भाई इंसानियत का ज़माना नहीं है, ये ट्रेन नहीं जा रही यहाँ से, तो भाई हम चलते हैं ना। सिग्नल तो रेड हो रखा है, लेकिन चलते हैं, जो होगा देख लेंगे यार, हम डरने वालों में से कहाँ हैं। तो देख सकते हैं फाइनली हमारी रानीखेत एक्सप्रेस बढ़ रही है आगे, क्या शानदार नज़ारा भाई। ये ट्रेन बेचारी आज लगता है इसको कोई और ट्रेन की वजह से भी मतलब ओवरटेक फेस करना पड़ रहा है, मुझे को ऐसा लग तो ऐसी रहा है भाई सच में। ये व्यू कितना प्यारा है यार, तो भाई थोड़ा थॉटल बढ़ा देते ना यार। अब लोकोमोटिव के छगिंग की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, मुझे इतना पक्का पता है कि हाँ छगिंग साउंड जो है आपको ज़रूर आ रहा होगा यार। क्या शानदार मतलब रानीखेत एक्सप्रेस का जो लोकोमोटिव है यार, दोनों पावरफुल है यार, काफ़ी पावरफुल है। इतना सा भी थॉटल बढ़ाया हमने भाई, देख सकते हैं मतलब कितनी जल्दी मतलब स्पीड कवर कर लिया, काफ़ी जल्दी कर लिया। क्या शानदार मतलब ये व्यू यार, मैं बता नहीं सकता, जो रियल में भी हमको ऐसा लगता है ना भाई कि मतलब हम डोर व्यू पे खड़े होते हैं ट्रेन के, और सामने से कोई ट्रेन जो होती है क्रॉस करती हुई होती है, तो भाई अब देखो जितना मैं नीचे भाई उतना ही रियल लगता है भाई, ऐसा लग रहा ना कि भाई रियल में हाँ कोई ट्रेन मतलब जा रही है और हम खड़े हुए हैं काफ़ी दूर से। अब ये जो स्टेशन है जो ट्रेन खड़ी ना आप देख सकते हैं, ये पता नहीं अब भी नहीं चली बेचारी, और हमारी रानीखेत एक्सप्रेस ने इस स्टेशन को जो है वो वाह कह दिया। तो भाई अब हम अपनी ट्रेन को पकड़ते हैं यार, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे भाई। WD की 4D जो लोकोमोटिव है इससे ज़्यादा तो भाई ये जो दूसरा लोकोमोटिव लग रहा है छगिंग साउंड तो इसका आ रहा है, क्योंकि भाई जो WD की 4D होती है उसके अंदर छगिंग साउंड नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ एक सीटी टाइप का रहता है भाई, उसमें एक सीटी टाइप का रहता है। हेडलाइट जला दें क्या भाई, अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, अंधेरा। और आप देख सकते हैं मतलब
कोच वगैरह के अंदर जो लाइटें वगैरह हैं वो जल रही हैं, क्योंकि भाई अंधेरा होने वाला है, मेरे को लग तो ऐसी रहा है अंधेरा होने वाला है। लेकिन एसी कोच की यार लाइट जलती हुई नहीं दिख रही यार, नहीं दिख रही ना एसी कोच की, नहीं दिख रही है। ओफो ये कौन सा स्टेशन है भाई, ये भी कोई छोटा सा स्टेशन ही होगा बेचारा, यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है भाई। तो हॉर्न बजा देते हैं और बता देते हैं भाई वहाँ के लोगों को कि भाई आज रानीगेट एक्सप्रेस आ रही है अपना डिस्टेंस कंप्लीट करने। ये कौन सा स्टेशन है भाई, स्टेशन का नेम पढ़ते हैं हम, ये कौन सा स्टेशन है भाई, क्या भाई मांगली यावास, भाई इतने कठिन नाम क्या संस्कृत में से ला के रखें भाई। मतलब रॉयल राजस्थान रूट में जो नेम है ना भाई, अजमेर तो चलो भाई पॉपुलर है, लेकिन जो वैसे रूट है यार थोड़ा ना नेम उनके अलग है, ऐसे ऐसे नेम होते हैं ना यार कि मतलब समझ में नहीं आता यार। तो भाई देख सकते हैं हमने हेड लाइट जला दी क्योंकि भाई अंधेरा हो रहा है। और भाई यहाँ से आगे ट्रैक चेंज हो रहा है हमारा, यहाँ देख सकते हो आप ये कितना शानदार नज़ारा है, मतलब आप देख सकते हैं ट्रैक चेंज हो रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि ट्रेन गिर ना जाए, ऐसा लगता है देखने में कि ट्रेन ना गिर जाए यार। लेकिन भाई ट्रेन कहाँ, डर तो हमें लगता है ना भाई, ट्रेन को डर थोड़ी ना लगता भाई, अंधेरा होने वाला है। तो हमारा 21 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, राजस्थान के जो पहाड़ हैं वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, लेकिन राजस्थान में भाई जो बबूल के पेड़ होते हैं ना वो काफ़ी होते हैं, बबूल ट्री काफ़ी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है राजस्थान इलाके में, बहुत ज़्यादा बबूल होता है, बबूल का दरख्त जो कि मतलब काफ़ी चीज़ों में काम आता है। अब क्या स्पीड मेंटेन कर रही है भाई, 123 मेंटेन कर रही है हमारी एक्सप्रेस ट्रेन, 123 किलोमीटर की स्पीड भी यार काफ़ी होती है। अब शायद कोई स्टेशन आने वाला है तो भाई थोड़ा रुक के चलते हैं, थोड़ा लोकोमोटिव को थोड़ा रेस्ट देते हैं, क्योंकि भाई सामने ही मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉप होने वाला है, क्योंकि भाई अभी यहाँ पे आपने देखा जो सिग्नल लगा हुआ था वो रेड मेरे को शो कर रहा था, तो यार 100% यार लग तो ऐसे ही रहा है भाई कि मतलब हाँ भाई स्टॉप होने वाला है ना भाई, यहाँ स्टॉप नहीं भाई, यहाँ कोई ट्रेन ही नहीं खड़ी है, पर चलते हैं अपनी असली वाली स्पीड में यार, रुकने की क्या ज़रूरत है। ये स्टेशन का नेम भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे यार, आप भी पढ़ लिया करो भाई, ये कौन सा स्टेशन है भाई, खारवा, उफ खाखा खारवा भाई खारवा, यहाँ क्या खारवा रहते हैं क्या, जैसे बोलते हैं ना भाई खारवा का बेटा हूँ मैं, खारवा भाई ऐसा नाम है यार, यहाँ के लोग लगता है खारवा होंगे यार, तभी तो नाम रखा है भाई, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो सिटी वगैरह रहते हैं ना उनका नाम किसी ना किसी वजह से होता है, जैसे काठगोदाम हुआ जो एक्सप्रेस हम ड्राइव कर रहे हैं इस टाइम, तो काठ गोदाम इसलिए कि तो कहते हैं यहाँ पे भाई लकड़ियों का मतलब गोदाम वगैरह था, काठ की एक लकड़ी होती शायद इसका गोदाम वगैरह था, उसी की नस्बत से इसका नाम जो है भाई काठ गोदाम पड़ गया है। दोस्तों जर्नी अच्छी लगी तो बता देना यार कमेंट्स करके, और भाई चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकन को प्रेस कर देना यार, ताकि हर आने वाला ट्रेन गेम प्ले जर्नी आप तक ऑन टाइम पहुँचता रहे। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी फिर एक और नई प्यारी सी अच्छी सी ट्रेन वीडियो के साथ, भाई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भाई प्रेस कर देना, ताकि हर आने वाला ट्रेन गेम प्ले जर्नी वीडियो